Is it working now? Okay, everybody. A lot of technical glitch. Shall we begin now? ये वाला हो गया था ना? क्या है इसका मतलब? हाँ, मतलब इतना ज़्यादा आपके पास दिवालिया हो गया है कि you have to owe money from the bank. And back benchers, please do not talk with each other. If I am speaking, talk to me. Okay? Fine. What is written? The lion's share. Okay? तो lion को कभी देखा है खाते हुए? Zoo गए होंगे आप लोग, right? हाँ, तो lion eats this much. Okay? तो सपोज जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, तो लायन का जो एक शेयर होगा वो ज्यादा होगा, बड़ा होगा, गेटिंग, बाकी जानवरों को थोड़ा थोड़ा मिलेगा, है ना? ठीक है, इसका मतलब होता है द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एनीथिंग, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ एनीथिंग. ठीक है, सपोज आपके घर में एक पिज्जा आया, तो आप जिसने पिज्जा मंगवाया है, सपोज आपके बड़े भाई ने पिज्जा मंगवाया है, तो वो ज्यादा खाएगा, वो बोलेगा मैं 2 स्लाइस खाऊंगा, बाकी तुम लोग छोटे बच्चों एक एक स्लाइस खाना. तो वो जो बड़ा स्लाइस जो आपके भाई ने खाया वो क्या है? अ लायंस शेयर. तो ही हैज टेकन हिज लायंस शेयर एंड वी आर लेफ्ट विद चंक्स, मतलब टुकड़ों के साथ हमें टुकड़े ही मिले, उन्होंने ज्यादा 2 स्लाइसेस खा ली. ओके ओके, क्या होगा? बी बी. Why? समझ में आई ना? This B is the answer. Okay. This is going to be the answer. The largest share of or the best part of something. ठीक है, और भी बाकी से बड़ा शेयर नहीं. सपोज कुछ चीजें आई यहाँ पे घर में, तो जो सबसे बड़े वाले भाई बहन होते हैं ना, वो सबसे अच्छा वाला चुन के लेते हैं कि ये मेरा है, है ना? अगर छोटे भाइयों को जो डिफेक्टेड होता है या उतना अच्छा नहीं होता वो मिलता है. ठीक है, समझ रहे हैं? आपने भी किया होगा ऐसा कभी ना कभी. अच्छा ओके. बीन्स, तो ये वाला ना, ये दीज इडियम इज यूज्ड बाय मेनी सेलिब्रिटीज. ठीक है, बिकॉज दे हैव देयर लाइफ, सीक्रेट लाइफ, एंड व्हेन दे डिस्क्लोज समथिंग तो पीपल से दे हैव स्पिल्ड द बीन्स, मतलब अपना एक सीक्रेट उन्होंने रिवील कर दिया, है ना? ठीक है, क्या होगा इसका? ए, रिवील अ सीक्रेट. ठीक है, तो अगर आपके पास भी कोई सीक्रेट है, आप उसको डिस्क्लोज करते हो, तो आप क्या करते हो? हाँ, यू स्पिल द बीन्स रिगार्डिंग द बर्थडे सरप्राइज पार्टी. एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड? आवाज नहीं आ रही. ओके, आ रही है अब? आ रही है आवाज? ओके, हाँ वहाँ आ रही है, गुड. ओके, साइलेंस एवरीबडी. स्पिल द बीन्स का मतलब समझ में आया सबको? टू रिवील अ सीक्रेट. तो सोचना नहीं है बिल्कुल, ये तीन तो होंगे ही नहीं, यही होगा. ठीक है, हाँ, और रिवील अ सीक्रेट न्यूज. ठीक है, तो तब भी तो आप एक सीक्रेट ही रिवील कर रहे हो ना. टुडे स्टूडेंट्स आर मोर देन प्रीवियस क्लास. वाओ, ग्रेट.
ग्रेट, शैल वी गो अहेड, आई एम ग्लैड टू सी दिस। ओके स्टूडेंट्स प्लीज रीड द idiom, गूज नॉट गोज। हाँ, कुक समवंस गूज, ठीक है। आपका एक फ्रेंड प्लान कर रहा है कि राजगीर जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, राजगीर जाएंगे, उसका अच्छे से प्लानिंग चल रहा है, राजगीर इस दिन को जाएंगे, ये करेंगे, जंगल सफारी जाएंगे, और भी जहाँ वहाँ घूमने की जगह वहाँ जाएंगे। आपने उस पर बम फोड़ दिया कि अब अरे उस जिस दिन तुम प्लान कर रहे हो उस दिन हमारा टेस्ट है, और जो टेस्ट में अपियर नहीं होगा उसको आगे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाए। तो आपने क्या कर दिया, यू हैव कुक्ड हिज गूज। हाँ, तो आपने क्या करा, स्पॉइल कर दिया उसका प्लान। जा अब तो जा ही नहीं पाएंगे, जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, सी टू स्पॉइल अदर्स प्लान्स, ठीक है, ये समझ में आएंगे। कैन यू मेक अ क्विक सेंटेंस विद दिस, एक सेंटेंस बना के जल्दी से बताओ। डोंट स्पॉइल माई गूज, आई हैव अ सॉलिड प्लान फॉर दिस रामनवमी टू गो समवेयर। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, ये समझ में आया आपको, ओके ठीक है। डिसअपियर इन टू थिन एयर, ओके हाँ, इसका मतलब होता है, ओके लिसन टू मी फर्स्ट, मतलब आप कुछ देख रहे हो, मतलब एक होता ना भूत, और वो अचानक से गायब हो जाता है। तो वी से कि आई सॉ अ लेडी रोमिंग, बट व्हेन एवर व्हेन आई कॉल्ड यू और कॉल्ड माय फ्रेंड्स टू सी, शी डिसअपीयर्ड इन अ थिन एयर, मतलब वो तुरंत ही गायब हो गई। कौन, तो ऐसे ही होता है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, डिसअपीयर सडनली, फॉरएवर थोड़ी हो, जरूरी थोड़ी है। हाँ, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भूत वापस आ जाए, हमेशा के लिए थोड़ी चली गई है ना। तो क्या होगा आंसर, ओके कोई भी पीछे मुड़ के बात नहीं करेगा, यू आर द फॉर, आपको मैं पहली बार देख रही हूँ ना क्लास में। हाँ ओके एवरीबॉडी प्लीज बी सीरियस, और आप ठीक से बैठो, सिट स्ट्रेट, एंड एवरीबॉडी प्लीज सिट नाइसली। आप क्लास में बैठे हो, आप कहीं पार्क में नहीं बैठे हो, ठीक है, तो बी इन अ गुड पोस्चर, ओके समझ में आई। ये कोई भाग भी जाता है ना, आपने एक चोर को देखा और चोर आपको देखते ही भाग गया, ठीक है, और फिर आपको मिला नहीं, वो भाग ही गया, तो ही ऑल्सो डिसअपियर्ड इन अ थिन एयर, यस। पुट द स्क्रूज ऑन, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, और आपके टीचर्स जो है आपका रोज टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, और आपसे को बोला है कि देखो इस टेस्ट में तुमको अच्छा स्कोर करना ही करना है, ठीक है, वरना मैं तुम्हारा और टेस्ट लेता रहूंगा, गेटिंग, तो आपके ऊपर एक प्रेशर है, मेंटल प्रेशर, कि मुझे स्कोर करना है अच्छा, उसके लिए मुझे पढ़ना है, उसके लिए मुझे मार्क्स देने होंगे ताकि टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाऊं। इसका मतलब है कि आप जो है, हाँ ये वाला, आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप ये करो ताकि स्कोर अच्छा आए आपका, है ना, समझ में आई। एक तरह समझो मेन जो इसका मीनिंग होगा वो होगा टू प्रेशराइज समबडी साइकोलॉजिकली, ठीक है, आप पे एक प्रेशर है कि नहीं मेरे को अच्छा स्कोर करना ही, आपके आप मेंटल प्रेशर कि मेरे को ये वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर तो करना ही करना है ना। तो क्या होगा आंसर, हाँ, और ये आपके टीचर्स ने आपको फोर्स करके रखा है कि इतना तो स्कोर करना ही करना है तुमको, है ना, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स ने, आपके पापा ने बोला है कि देखो इतना अगर स्कोर नहीं करोगे तो तुम्हें मैं घर से बाहर कर दूंगा। हाँ नहीं 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 उतना भी नहीं, ठीक है, घर से निकाल दूंगा, ठीक है, तो ये वाला, तो आपको इतना तो फोर्स ही किया जा रहा है ना कि आप स्कोर करो अच्छा, हाँ, तो ये होगा आंसर,
ठीक है, कोई डाउट? फर्स्ट बेंचेस आर वेरी साइलेंट और पीछे वाले बहुत ज्यादा बात करते हैं। सॉरी, ओके 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 एवरीबॉडी, लेट्स नॉट गेट ऑफ द ट्रैक, ठीक है, चलें नेक्स्ट। ये हम लोग ने किया था ना, क्या होगा बताओ? सेट ऑन द वेटिंग पेशेंटली, आर यू श्योर? ये होगा, बताया तो था, बताया तो था कल की जो दो दोस्तों की लड़ाई हुई, आप ना इसका पार्ट ले पा रहे हो ना इसका, इसके तरफ से बोल पा रहे हो, तो आप जो दोनों की तरफ से ही नहीं बोलना चाहते हो, तो यू आर अवॉइडिंग टेकिंग साइड्स। अब किसी का साइड नहीं ले रहे हो, अब इस फ्रेंड का साइड लिया तो ये बुरा मानेगा, इसका लिया तो ये बुरा मानेगा, है ना? एवरीबडी देखो, ये जो इंग्लिश है ना बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 50 मार्क्स का होता है, लेकिन आपके पास, हाँ 50 क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी 50 क्वेश्चंस होते हैं, आप 50 के 50 सही करके आ सकते हो अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओगे यहाँ पे, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू डू। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका फुल मार्क्स आ सकता है, क्योंकि एक ही एक आंसर होता है उसका, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको एक क्लियर आंसर मिल जाएगा, ठीक है? 50 क्वेश्चंस होते हैं ना, 50 के 50 आपके सही हो जाएंगे, ठीक है? बस थोड़ा सा आपको अटेंटिव होना है, माइंड आपका थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आप क्लास में आए तो हो लेकिन आपस में बात कर रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। इतनी खराब आवाज है क्या मेरी जो आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो आप? ओके, कुछ देर रुक जाओ, लिसन टू मी, फिर बाद में व्हेन आई विल गो आउट ऑफ द क्लास टॉक टू ईच अदर, आई विल नॉट स्टॉप यू, ठीक है? बट इंग्लिश आई लिटरली वॉन्ट कि आपका 100% मार्क्स आए इंग्लिश में एटलीस्ट, ठीक है? और ये सारे क्वेश्चंस ना आपके ही एग्जाम्स में, जिस एग्जाम में आप अपीयर होने वाले हो ना, कब है आपका पेपर? 21st को है ना? ये सारे जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं वो सारे आ चुके हैं एनडीए के एक पेपर में, ठीक है? व्हाट हैपेंड? सॉरी, व्हाट हैपेंड आई आस्क्ड? अच्छा, नाउ प्लीज कम, प्लीज बी अटेंटिव हियर, क्या लिखा है पढ़ो। बी एज शार्प एज अ टैक, शार्प तेज, ओके। तो कोई इतना तेज इंसान होता है ना, बी एज शार्प एज अ टैक, ठीक है? इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्लेवर इंसान, और बहुत ज्यादा जो अटेंटिव होता है, कब उसको मौका मिले उसका फायदा हो जाए, ठीक है? तो क्या होगा, ये बहुत टॉकेटिव, मतलब वो जो बहुत बोलता है, श्रेट मतलब वो थोड़ा यू नो उसका दिमाग थोड़ा निगेटिव वे में जाता है, क्लमजी मतलब बहुत ही डिसऑर्गेनाइज पर्सन, और डी मतलब एक चालाक इंसान। क्या होगा, बिल्कुल क्लियर है इसका आंसर, ठीक है? क्लियर, चलिए मूव फॉरवर्ड। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट, यहां से वहां, ठीक है? तो एक ऐसे इंसान जो जिस जो एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहता है, आज यहाँ है तो कल कहीं और, क्या होगा? Keep moving from one place to another, है ना? तो यही होगा। Constructing a huge building, jumping from the top of the mountain, ऐसा मत करना कभी। Upside down, नहीं। क्या होगा? ये एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग। So I am roaming pillar to post since January, मतलब जनवरी से मैं हर अलग अलग जगह जाते ही रही हूँ। In January I was in South India. In February, I was in somewhere else. April, March, April, I'm in Patna. ठीक है? तो I can say I am moving from pillar to post since
सिंस जनवरी, ठीक है अभी स्टेबल हो गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ओके नॉट लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हीथ रॉबिन्सन। ओके तो ये जो है ना इसका एक मतलब होता है, हीथ रॉबिन्सन मतलब एक ऐसा डिवाइस या ऐसा मशीन जिसका काम जो है ना, जो एक मशीन तो है लेकिन उसका काम है एक सिली सा काम करना, मतलब इट्स नॉट वर्दी मशीन, ठीक है समझ में। हाँ एक सिंपल सा काम जो आप खुद भी कर सकते हो, उसके लिए एक मशीन बनाया हुआ है, उसके लिए आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। अब वो सब नहीं भी करते, वो काम खुद से कर लेते हैं, है ना। क्या होगा आंसर, ए ना। हाँ तो सॉरी फिर से रिपीट कर दूँ, मतलब एक ऐसी चीज या ऐसा सिस्टम जिसको एक सिंपल से टास्क करने के लिए बनाया गया है, जो वर्दी भी नहीं है, वो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट किया गया है कि एक चीज बना के, एक मशीन। और जो भी फोन यूज करें प्लीज डू नॉट यूज इट। व्हाट इज ही डूइंग, ओके क्या होगा इस आंसर, क्विकली टेल। ए होगा, क्या है ए। ओके एवरीबॉडी नॉट लाइक दिस, एक 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 करके आप बताओ, पढ़ो। यस पढ़ो, क्या है हुए। ठीक है, कभी ऐसा आपने देखा है कोई ऐसा मशीन है जिससे बहुत ही इजी काम हो रहा है, मतलब एकदम सिंपल सा चीज, क्या मोबाइल। नहीं वो तो बहुत काम की चीज है। हाँ कॉफी, मेरे लिए कॉफी मशीन, कॉफी मशीन देखा है, कॉफी मशीन वही चीज है, वो हीथ रॉबिन्सन है मेरे लिए, क्योंकि कॉफी मशीन से जो कॉफी बनती है वो इतनी बकवास होती है, क्या बताऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उससे अच्छा है कि मैं खुद से कॉफी खुद से हाथ से बना लूँ, उसे कम टाइम में भी बन जाती है, ठीक है। फॉर मी हीथ रॉबिन्सन इज द कॉफी मशीन, कॉफी मशीन की कॉफी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ एज थिक एज चीज, लाइक मैं एक लाइव एग्जांपल देती हूँ, तस्नीम मैम है ना, हाँ एंड मैं, ठीक है। तो वी बिकेम एज थिक एज थीव्स, मतलब हम लोग काफी कम टाइम में वी बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत क्लोज है आपसे, तुरंत आपकी दोस्ती हुई और तुरंत आप क्लोज हो गए, तो यू एंड दैट पर्सन इज आर एज थिक एज थीव्स, ठीक है ठीक है। आपको कोई बेस्ट फ्रेंड होगा क्या, हाँ मतलब इतना क्लोज है ना कि आपको शक होता है कि इन लोग का जरूर कोई प्लानिंग हो रहा है, लगता है घूमने जाएंगे कहीं, हमेशा साथ में रहते हैं, शॉपिंग पे साथ में जाते हैं, दिन भर साथ में फोन देखते हैं, पक्का ये लोग साथ में घूमने जा रहे हैं, कोई तो प्लानिंग है इनकी, है ना। तो वेरी क्लोज फ्रेंड हु आर लुक्ड अपॉन विद सस्पिशियन, इतने क्लोज की शक होता है कि इनका कोई तो प्लान है ना। ठीक है, अरे प्लीज टॉक वन बाय वन, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, कैन यू गिव मी वन एग्जाम्पल इन सेंटेंस। वाई एग्जाम्पल लोगों का नहीं, एग्जाम्पल इन द सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाओ जल्दी से क्विकली। फर्स्ट बेंचेस, व्हाई डोंट यू मेक अ सेंटेंस, क्विकली सोचो, आई एम गिविंग 1 मिनट, ठीक है। अब बात नहीं करनी है, सोचना है। मतलब इतने क्लोज हो आप कि लोगों को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इन लोगों की कोई प्लानिंग है, ये लोग जरूर कुछ करने वाले हैं, या तो एक रील शूट करेंगे या तो कहीं घूमने जाएंगे। फर्स्ट बेंच पीपल, ये आप दोनों, अदर्स ऑल्सो प्लीज मेक सेंटेंस, बट बोलना मत,
ये दोनों को पहले बोलना है, आपको मैं बाद में चांस दूंगी, बताओ। हाँ इससे, ये वाले ईडियम से। वॉइस साइलेंस, आई टोल्ड यू समथिंग ना, कि ये लोग को बोलने दो फिर आई लिसन टू यू। हाँ ओके, दे बिकम सो क्लोज दैट इट फील्स लाइक दे आर गोइंग टू डू समथिंग, राइट? ओके, आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास, यू आर लाइक वेरी बोर्ड। लिस, आई एम टॉकिंग टू हिम, प्लीज लेट मी फिनिश। यस, ट्रैवल करके आए हो कहाँ से? अच्छा ओके फाइन, यू प्लीज टेक केयर। समझ में आई सबको? ये सारे थे ईडियम्स एंड सम फ्रेजेस वेर ऑल्सो देयर। ठीक है, मैंने आपको 60 ईडियम्स कवर करवा दिए हैं, बट अगर इस 60 में से एक भी आता है तो उसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, और आपके लिए एक होमवर्क है, 5 ईडियम्स आपको खुद से सर्च करके कॉपी पे लिख के कल लाने हैं, कल वाले क्लास में। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन खुद से। ये 60 के अलावा, ये 60 जितने हम लोग ने कवर किए ना, इसके अलावा 5 ईडियम्स विद सेंटेंस, ठीक है, लिख लो। ये तो खत्म हो गया। एक और फोल्डर है, ठीक है, नहीं ईडियम्स का नहीं, ईडियम्स का नहीं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का होगा। ठीक है, उसको आप यहाँ पे ले आओ। आई एम नॉट अ टेक्निकल विजार्ड एवरीबडी, सो डू नॉट बी अफेंडेड। उसी में मेरे वाला जो होगा ना उसमें होगा, देखो नहीं है क्या? मेरे नाम का एक फोल्डर होगा। साइलेंस, लेट हिम डू हिज वर्क। डू नॉट यूज कर्स वर्ड्स, स्ट्रिक्टली डू नॉट यूज कर्स वर्ड्स। ठीक है, कुछ भी आलतू फालतू मुझे सुनाई दिया ना, दैट पर्सन विल गो आउट ऑफ द क्लास। आई कैन नॉट टॉलरेट डिसरेस्पेक्ट इन द क्लासरूम टुवर्ड्स मी और टुवर्ड्स एनीबॉडी। ये वही है, एवरीबडी नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। आपको फर्स्ट सेंटेंस और सेकेंड और लास्ट सेंटेंस दिया हुआ होगा, आपको बीच के सेंटेंस को रीअरेंज करना है। ठीक है, दूसरा 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको उसी को रीअरेंज करना है कि पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ही दिमाग से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दूसरा अप्रोच यूज करेंगे क्योंकि यू हैव लेस टाइम। आज 4 तारीख है, 21 को आपका पेपर है, तो अभी जो अप्रोच करेंगे ना, तो वो दो अप्रोच लगाएंगे हम लोग। पहला ऑप्शंस एलिमिनेशन, कुछ करके थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें कुछ ऑप्शंस को हटा देना है, जो बचे हुए ऑप्शन से उस वही सही आंसर होगा, उसके लिए हम लोग थोड़ा और ट्रिक लगाएंगे। दूसरा पेयरिंग अप द ऑप्शन, ठीक है, दो सेंटेंस ऐसे पकड़ लो जो आगे पीछे जाते होंगे, मतलब कि ये सेंटेंस के बाद तो मैम यही वाला सेंटेंस जाएगा, तो वो दोनों साथ में आएंगे। सपोज पी के बाद क्यू आएगा, आपको ऐसा लगता है कि पी के बाद को क्यू होना चाहिए, तो पी क्यू तो साथ हो गया, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन से ये में पी क्यू साथ में है, जो जिसमें साथ में वो ही सही होंगे, जिसमें पी क्यू साथ में नहीं है उसको हटा दो। ठीक है, उसको कट कर दो, फिर बाकी हम लोग थोड़ा सा और उसमें क्लू जोड़ के हम लोग एक सही आंसर निकालेंगे। 4 ऑप्शन से होते हैं, अगर दो भी आपके छट गए ना तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, समझ आई? ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट, पहले मैं आपको दे रही हूँ कि आप इसको पढ़ो, ठीक है, और शांति से पढ़ना है, एकदम बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, अच्छे से पढ़िए इसको। आई विल ऑल्सो रीड। वो पहला जो S1 है ना, वो sentence 1 है, S6 sentence last sentence है, ये बाकी PQRS बीच में कहीं कहीं जाएंगे।
हो पढ़ लिया नहीं। देखो इस ये वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ पे देखो ये वाला, फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज आवर मशीन, कोई भी हम लोग लिखते हैं कुछ भी, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल से शुरू करते हैं क्या, पहले इंट्रोडक्शन देते हैं ना उसका, तो ये तो फर्स्ट में नहीं जाएगा, मतलब ये पी जो है फर्स्ट में नहीं जाएगा कहीं पे, तो देख लो पी कहाँ पे फर्स्ट में है, ये तो नहीं होगा, एक तो एलिमिनेट कर दिया ठीक है। सी भी एलिमिनेट होगा, कैसे आपने बोला ना कि सी भी एलिमिनेट होगा, थोड़ा सोचो ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे ना साइंस के बारे में, उसके मिसयूज के बारे में बताया जा रहा है, तो पहले क्या होगा, पहले एस होगा, क्यों, साइंस हैज गिवन अ सुपर ह्यूमन पावर्स व्हिच वी डू नॉट यूज प्रॉपर्ली, तो एक इंट्रोडक्शन हो गया कि हाँ भाई देखो साइंस ने हमें इतने पावर्स दिए हैं जिसको हम लोग ठीक से यूज भी नहीं कर पाते हैं, तो ये एस क्या होगा। और बाकी बाकी देख लेते हैं, मशीन शुड बी फेड प्रॉपरली एंड वेटेड अपॉन अटेंटिवली अदरवाइज दे रिफ्यूज टू वर्क और कॉज डिस्ट्रक्शन। तो अच्छा ये बताओ मशीन जो है वो साइंस का पार्ट है या साइंस मशीन का पार्ट है, साइंस मशीन का पार्ट है, मशीन साइंस के अंडर आता है ना, तो पहले हाँ कुछ लोगों ना मशीन साइंस का पार्ट है, वेट वेट वेट, ये साइंस है, फिजिक्स पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ये फिजिक्स वाले सर को मैं बोलूंगी ठीक है। साइंस के अंदर आते हैं मशीन्स ठीक है, साइंस का जो आप बुक खोलोगे तो उसके अंदर मशीन एक टॉपिक मिलेगा आपको, मतलब साइंस बड़ा चीज है, मशीन उसका एक पार्ट है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले मान लो आपको साइंस, आप एकदम न्यू पढ़ रहे हो, तो आपको किस बारे में बताया जाएगा, साइंस के बारे में या मशीन के बारे में, साइंस के बारे में बताया जाएगा ना, तो ये वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस के पहले होगा, तो एस फर्स्ट, देख लो एस कहाँ पे फर्स्ट में, दो ऑप्शन मतलब ये तो नहीं होगा ठीक है, एक और काट दिया हमने ठीक है। साइंस हैज गिवन अ सुपर ह्यूमन पावर्स विच वी डू नॉट यूज प्रॉपरली ठीक है, फर्स्ट हो गया, इसके बाद क्या होगा, हाँ, इसके बाद होगा एस पी फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे ये नहीं हो पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वी आर अनेबल टू मैनेज अवर मशीन, एस के बाद पी है ठीक है, पी फर्स्ट में नहीं है लेकिन एस के बाद पी है, तो देख लो ये दोनों एप्स ऑप्शन में एस के बाद पी किस में है, दिस इज योर, बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है, अब तो मिल गया ना एस के बाद तो पी होना है, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं आर वी, हाँ फॉर एग्जाम्पल वी अनेबल टू मैनेज आवर मशीन, आर में लिखा है मशीन शुड, मतलब उसका कंक्लूजन लिखा है कि ये हम लोग अपना मशीन को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मशीन को अच्छे से उसका देखभाल करना होता है ठीक है, और उसका यूज भी बहुत सावधानी से करना होता है ठीक है, तो ये तो उसके बाद आ गया, लास्ट कौन सा होगा, हाँ वी ऑलरेडी फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू विदाउट मशीन, जो मशीन की देखभाल भी मशीन से ही होती है, दूसरे मशीन से, समझ में आ रही है, तो क्या हो गया सीक्वेंस, एस पी आर क्यू, ये फिर पी फिर आर फिर क्यू ठीक है। तो ये वाला अप्रोच आपको एग्जाम में लगाना है, पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करो फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के सही सीक्वेंस बिठा लो ठीक है, पहले ऑप्शन एलिमिनेट किया एक देख के कि कौन सा सेंटेंस पहले नहीं जाएगा, तो ये वाला सेंटेंस फर्स्ट में कभी नहीं होगा ठीक है, फिर देखो दो सेंटेंस कौन से साथ में जाते हैं, तो ये वाला सेंटेंस और वो वाला सेंटेंस साथ में जा रहा है एस पी ठीक है, और बाकी अब फिर ऑप्शन से मिला लो, समझ में आई, ऐसे ही ये अप्रोच रहेगा अभी क्योंकि आपके पास टाइम कम है ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, चलो इसको पढ़ो, आई एम गिविंग 2 मिनट्स, प्लीज पास माय बॉट, ओके लेट इट,
अब आ रही है क्या? ओके बताओ, फर्स्ट एलिमिनेट कौन सा होगा? ये जो है आर फर्स्ट में तो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि एक ब्रिटिश रूल के बारे में बता रहा है ना फर्स्ट सेंटेंस में, तो जो सेकंड सेंटेंस होगा वो रूल के बारे में थोड़ा कुछ होगा। देखो कौन सा है जो रूल के बारे में बात कर रहा है, आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स। तो ये तो हमारा हो गया इसके बाद वाला, ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। पी देखो कौन से में जा रहा है फर्स्ट। अरे इसमें तो एक ही बहुत इजी है, तो है ना, आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स। पहले जो रूल की बात हो रही है, फिर वो रूल के बारे में ऑथर जो है थोड़ा उसका टोन जो है एकदम गुस्से वाला टोन है। एक रूल को उसने इंट्रोड्यूस किया और उस रूल के बारे में उसका क्या ओपिनियन है कि आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स, मैं ये रूल को एक श्राप मानता हूँ इंडिया के लिए, ठीक है। तो ए के बाद कौन सा जाएगा? सॉरी सॉरी, ये फर्स्ट सेंटेंस के बाद कौन सा ऑप्शन होगा? पी, पहला मिल गया। अब देखो पहला किस किस में है, ये तो नहीं होगा। अरे एक ही है, वेरी इजी, कौन सा होगा आंसर? बी, PSQR। तो एक बार हम लोग ना इसको ये कर लेते हैं एक बार, मतलब सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। इसमें पी लिखा है ना फर्स्ट, आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स। एस, आई एम नॉट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम आउट, मतलब मैं जो हूँ ये सिस्टम को एकदम खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है? क्यू, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। सेडिशन का क्या मतलब होता है? सेडिशन का मतलब होता है गवर्नमेंट को अपोज करना, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है। अगर मान लो अभी जो गवर्नमेंट है एकदम बिल्कुल अपने तरह से काम करे, आपकी बात सुने ही नहीं, तो आप उस गवर्नमेंट को अपोज करोगे कि नहीं करोगे? जनता करेगी अपोज उसको। तो सेम यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि सेडिशन बिकेम माय रिलीजन, अब मेरा धर्म जो है सरकार का विरोध ही करना रह गया है, ठीक है। ये थर्ड में गया, और लास्ट आवर्स इज अ नॉन वायलेंट बैटल। नॉन वायलेंट मतलब ब्रिटिश जो है वो वायलेंस करते थे, बट हम लोग क्या करते थे? नॉन वायलेंस। अब देखो इसका जो ये जो है ना, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। इस ये लास्ट वाले सेंटेंस से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वी आर नॉट टू किल एनीबडी, बट इट इज आवर धर्मा टू सी दैट द कर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ब्लॉटेड आउट। हम लोग किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन हम लोग ये जरूर देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ से हट जाए। ब्लॉटेड आउट का मतलब हटाना, रिमूव करना, ठीक है। तो ये जो है इससे कॉन्ट्रेस्ट खा रहा है, मीन्स ये वाला सबसे लास्ट में होगा। देखो है लास्ट में क्या? हाँ सबसे लास्ट में वही है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बोला, उतना आपको एग्जाम में नहीं करना, यू हैव टू सेव टाइम। जैसे ही आपको एक क्लू मिले, ऑप्शन देखो कि कौन सा उससे मैच खा रहा है, वो टिक कर दो, ठीक है। अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचे तो थोड़ा सा आप इसको सेट करके देख सकते हो, ये उसका जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑप्शन ने बता दिया कि यही आपका सही आंसर है, ठीक है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने का चीज है, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो क्या क्या ऑप्शन अपनाओगे आप बताओ, अब मेरे को मतलब क्या अप्रोच लोगे आप ये बताओ। पहले ये देख लो ये कौन सा जो है वो फर्स्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट में नहीं जाएगा उसको काटो पहले। हाँ देख लो, इसमें 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 देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग ऑफ सेंटेंसेस, दो ठोक का पेयर बनाएंगे। तो अनआइडेंटिफाइड गनमैन शॉट डेड टू वर्कर्स, ये तो देखो एकदम परफेक्ट फिट हो गया एक दूसरे में। ये पहले होगा, ये उसके बाद में होगा। क्यूएस जो है साथ में जाएगा, इसमें देखो क्यूएस किस में साथ में है? बी, अच्छा यहाँ पे साथ में है, यहाँ पे भी साथ में है, ये दोनों तो कट गया। अब ये दोनों में से बताना है कौन सा सही होगा, तो थोड़ा बिठाते हैं। देखो अनआइडेंटिफाइड गनमैन मतलब दो गनमैन, मतलब उनके पास बंदूकें थी, कौन थे उनको नहीं पता,
शॉट डेड टू वर्कर्स, दो लोगों को मार दिया उन्होंने, एंड इंजर्ड अनदर ड्यूरिंग तो एस क्यू एस आर पी, कौन सा ए? ठीक है, पहले तो पेयरिंग कर ली हमने, उसके बाद थोड़ा सा और सोचा कि इसके बाद कौन सा जाएगा। इज देयर समबडी आउटसाइड, कोई बाहर है क्या? व्हाट हैपेंड? डिड यू आस्क मी कि मैम मे आई गो और नॉट गो? बट प्लीज दिस इज अ क्लास गोइंग ऑन ना, यू शुड आस्क, टेक द परमिशन। ये समझ में आई? ये तो इजी था थोड़ा, है ना? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा देखो, ये आर जो है फर्स्ट में नहीं जाएगा, जाएगा क्या? कोई भी सेंटेंस, कुछ भी ऑफ से शुरू होता है क्या? नहीं, देख लो आर किसके फर्स्ट में है? किसी के नहीं। वेरी गुड, ऑप्शन में ही नहीं है वो। थोड़ा पेयरिंग करते हैं, ठीक है, ट्राई करो। दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड, चलो ये क्यू पी तो एक साथ हो गया, क्यूपी, यहाँ पे क्यूपी साथ में है ना, और यहाँ पे भी क्यूपी साथ में है, ये दो नहीं होगा। ठीक है, अब ये दोनों में से सही आंसर करना है। क्यूपी, दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेस्टेशन। चलो ये क्यूपी के साथ एस, यूपीएस कहाँ है साथ, ये होगा, है ना? इसमें चीज़ी, आपको दो सेंटेंस लो, उसका पेयरिंग करो, दोनों को एक साथ लिख दो कि हाँ भाई ये दोनों तो साथ में होगा। ऑप्शन कहाँ पे? हाँ हो सकता है, एंड ऑफ सिंस क्रिटिक, दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेस्ट एंड ऑफ, हाँ यहाँ पे देखो दो चीज बताया जा रहा है, बोथ मेंशन कर रहा है। ठीक है, सिन सिक्रेटिक का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ कल्चर एंड, मतलब कल्चर एनवायरमेंट ये सब का मिक्सचर, अकॉम्प्लिशमेंट हो सकता है, इट्स मतलब उसका, इसका, इसको एक मेंशन कर रहा है एडिशनल, गेटिंग? इसको एक काम करो तो साथ में लिख के देखो तो सारा कम। कौन सा क्वेश्चन नंबर ये? फोर, फोर मैंने बनाया था क्या? सिंक्रेटिक अकॉम्प्लिशमेंट्स का मतलब होता है कुछ भी अकॉम्प्लिश करने का, मतलब क्या होता है? आई अकॉम्प्लिश माई गोल, क्या मतलब हुआ? प्राप्त करना। तो सिंक्रेटिक का मतलब होता है कल्चरली रिच। ठीक है, तो जो स्टेट है ना, स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, वो ये दोनों के, ये दोनों तो है ही उसमें, लेकिन ये भी है। ठीक है, क्या होगा डी? अच्छा ये क्यों नहीं, अच्छा ये तो एस है ना आगे में, हाँ ये दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, दिस इज मेकिंग सेंस। ठीक है, शैल वी मूव नेक्स्ट? हो गया क्या? हाँ क्यों, व्हाट हैपेंड? हाँ देख लो, चाहिए तो आई विल आल्सो गिव यू दिस क्वेश्चन।
ये हाँ ए ए कैसे होगा, क्यू पी तो हमारा एक साथ हो गया, क्यू पी। दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड ये कैसे होगा, यहाँ पे देखो ये तीन हमने बनाया, तीन का तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना, ये तीन तो यहाँ पे साथ में है, ये तीन तो हमारे सही में आ गया कि हाँ ये तीन साथ में होंगे, ठीक है। हाँ ए से मतलब किस कैसे, इसके बाद का बताओ क्या होगा। आप अगर एक पूरा ये स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होगा। अच्छा बोथ के कब यूज करते हैं, जब मेरे को दो चीज के बारे में बात करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ मैं क्यों यूज कर रही हूँ, स्टेट के लिए यूज कर रही हूँ, तो स्टेट पहले आएगा तब तो। दिस स्टेट हैज अ हिस्ट्री ऑफ बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड बहुत पॉलिटिकल एंड देखो किसी भी जगह पे दो चीजें एक्टिव होती हैं, उसका पॉलिटिक्स और उसका रिलीजन वहां पे कैसा है, ठीक है। ये दो मेन चीजें हो गई, तो वो स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट चीज है ना, ये एडिशनल चीज है, ये लास्ट में होगा, इतना तो पता चल गया। हाँ कैसे रिली, अच्छा एस के, अच्छा एस स्टार्ट, ओके मैंने मान लिया कि स्टार्ट होगा एस से, चलो मान लेते हैं एस से स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट करेंगे। रिलीजियस कंटेस्टेशन एंड अरे बाबा, रिलीजियस कंटेस्टेशन इज अ क्वालिटी ऑफ अ स्टेट, समझ आ रही है, ये क्वालिटी है, वो स्टेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो अगर आप कॉमन सेंस बनाओगे ना तो सबसे पहले जाएगा क्यू, ठीक है, क्योंकि एक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे भी रिलीजियस कंटेस्टेशन होते हैं, वो मतलब रिलीजियस कंटेस्टेशन मतलब कि रिलीजन का वो काफी इनरिच है, वहां पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, समझ, अब समझो थोड़ा इसको, ठीक है। और उसका इंटेंस पॉलिटिकल एंड ऑफ सीक्रेटिक अकम्प्लिशमेंट्स, दिस स्टेट हैज बोथ इंटेंस पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंटेस्टेशंस एंड ऑफ, ये पता है मैंने, आई हैव सॉल्व्ड इट एंड आई फाउंड दिस आंसर, दिस ये वाला, ठीक है। स्टेट के बारे में बात हो रही है जिसका ये सारा, जिसके हिस्ट्री में ये सब है, ठीक है, समझ में आपको प्रॉब्लम था ना, डाउट हुआ, क्लियर। इसको कैन वी डिस्कस इट आफ्टर द क्लास, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट, ठीक है। मूव करें अभी, क्योंकि आई हैव टू कवर, कितने क्वेश्चंस है, एटलीस्ट 6 मोर एंड वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। शैल वी मूव फर्दर, आप कुछ लिख रहे हो, मूव करें क्या, एनी डाउट, आपको डाउट है ना इसमें, वी विल क्लियर इट आउट, व्हाट
ये आर पी तो पहले नहीं होगा। हाँ कौन बोले थे कि स्टेट बीच में होगा? व्हाई व्हाई डू थिंक सो? ऐसा क्यों लगता है कि स्टेट बीच में होगा? अच्छा इसको वी विल डिस्कस, इसमें प्रॉब्लम है ना, ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, लेट बी फाइन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? फोर, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, इसको पढ़े थोड़ा। पहले एक पेयरिंग कर लें क्या? पेयर बनाओ एक, कौन सा दो सेंटेंस साथ में जाएगा? पी एस साथ में जाएगा। ओके पी एस, ओके लेट समझते थोड़ा। द फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन, मतलब जो पिता है वो उनको थोड़ा सा नीचे लगा है। नहीं, फादर ऑल्सो फील्स डाउन, लिसन लिसन एवरीबॉडी, पी ऐसी होगा क्योंकि द फादर ऑल्सो फील्स डाउन। फादर कैन फील, व्हाट हैपेंड? जाओ 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 भाई जाओ। एवरीबॉडी यहाँ पे प्लीज फोकस, सी यू आर अ गुड स्टूडेंट्स, एनडीए के स्टूडेंट्स हो, बट डिसिप्लिन की बहुत कमी है। आई एम सेइंग इट वेरी फ्रैंकली, बहुत ज्यादा कमी है। एंड एनडीए स्टूडेंट मस्ट बी वेरी मच डिसिप्लिन। देखो पी ए साथ में आ जाएगा क्योंकि द फादर ऑल्सो फील्स, कौन फील कर सकता है? कोई इंसान फील कर सकता है ना, तो उन्हीं के बारे में बताया है कि ही ऑल्सो फील्स लेट डाउन, तो पीएस तो साथ में चला गया। पीएस किस में है साथ में? बी, फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन बाय द सिस्टम इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस। क्वेस्ट मतलब क्या होता है? क्वेस्ट का मतलब होता है खोज। ठीक है, जस्टिस की खोज में पिताजी भी थोड़ा लो फील कर रहे हैं, किसके द्वारा? बाय द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम लास्ट में आएगा या पहले आएगा? हाँ बीच में आएगा, यू आर राइट। पी एस आर क्यू, द फादर ऑल्सो फील्स लेट डाउन बाय द सिस्टम इन हिज क्वेस्ट फॉर जस्टिस। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल रैप अप, और इसको हम लोग अच्छे से करेंगे बिकॉज यहाँ पे भी 60 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको पेयरिंग करना और ऑप्शन एलिमिनेशन करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, वो वाले में थोड़ा डाउट हो गया है, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा आई विल सी इट एंड आई विल कवर इट। कल जो सेशन स्टार्ट होगा ना, वो उससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, सॉरी नो क्लास टुमारो, कब? ओके, बट आई हैव टू कवर अदर क्लासेस आल्सो ना, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करना है। एंड सर हैज टोल्ड मी टू टेक सेशन फॉर 1 आवर ओनली। ठीक है, चलो लेट्स डू द पेयरिंग एवरीबॉडी। पेयरिंग करो, पेयरिंग करिए, ऑप्शंस अभी नहीं बताते, ऑप्शंस को भूल जाओ अभी, पेयरिंग करो। व्हाई आर यू लाफिंग? व्हाट्स सो फनी? व्हाई? एवरीबॉडी साइलेंस। क्या कौन? वी आर डीपली कंसर्न बाई द डिस्टर्बिंग एलिगेशन, गुड नाइस। आर क्यू साथ जाएगा एंड विल कंटिन्यू टू क्लोजली, एस पी साथ। ओह सॉरी, एस पी, आर क्यू एस पी कौन सा होगा? हाँ, वी आर डीपली कंसर्न बाय द डिस्टर्बिंग एलिगेशन एंड विल कंटिन्यू टू क्लोजली मॉनिटर द, इजी
एक और कर लेते हैं, ठीक है? नो, कितने लोग नो है? रेज योर हैंड। नो, अपने यस। कितने लोग यस? आप यस और नो दोनों में हो। ही इज सिटिंग ऑन द फेंस। यस करना है। एक और यार, टुमारो ठीक है, टुमारो विल बी कंटिन्यू, वी विल बी कवरिंग 15 क्वेश्चंस, ठीक है? विल स्टार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन, ठीक है? उसको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं।